वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, मैं हूँ अभिशार सर और लेके आया हूँ आज आप सबके बीच क्लास सेवन का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है एक्सेल चार्ट्स, इसका थर्ड वीडियो। बाबू ये थर्ड वीडियो लेके आना इसलिए पड़ा क्योंकि सेकंड वीडियो में कुछ पार्ट छूट गया था, एक बस छोटा सा टॉपिक छूट गया था, मैं चाहता तो वहाँ कवर हो सकता था, बाई मिस्टेक ये छोटा सा पार्ट छूट गया, इसलिए मुझे थर्ड वीडियो भी लेके आना पड़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं चेंजिंग द चार्ट टाइप। हम लोग यहाँ पे चार्ट टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग चार्ट टाइप कैसे चेंज करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैं आपको ये टॉपिक कवर करूँगा और थोड़ा सा हमारा जो ये रिकैप है इसको हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको बना के सेम डे, जैसे कि हमारा क्लास आज है तो आज ही आपको ये चीज़ बना के आपको दिखाना होगा। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वीडियो क्लास में, आप लोग वीडियो क्लास तक देखते रहें, अच्छे तरीके से समझते रहें, ठीक है बाबू। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक चेंजिंग द चार्ट टाइप। अब चार्ट टाइप को हम लोग चेंज क्यों करते हैं, चार्ट टाइप तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब हमारा कोई चार्ट बना होगा तभी तो हम लोग कोई नया चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। हम लोग उस चार्ट टाइप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमको लगता है कि हमारा डेटा उस चार्ट में सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तभी हम लोग अपने चार्ट टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट इफ़ यू फाइंड द चार्ट टाइप अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर आप देखते हैं कि आपका चार्ट टाइप अनसेटिस्फैक्ट्री है चार्ट बनाने के बाद, इन डिस्प्लेइंग डेटा, डेटा को डिस्प्ले कराने में अनसेटिस्फैक्ट्री है आपको, ठीक है, यू कैन स्टिल चेंज द चार्ट टाइप, आप चाहे तो चार्ट टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेंज द कॉलम चार्ट टू ए बार चार्ट, आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कॉलम चार्ट्स को आपको बार चार्ट में चेंज करना है, तो हम लोग कोई ज़रूरी नहीं है कॉलम चार्ट को बार चार्ट में चेंज करेंगे, आप किसी भी चार्ट को किसी भी चार्ट में चेंज करेंगे, हम लोग का अपना है, हम लोग जो भी चार्ट्स को चाहेंगे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग भी देखना है और अपने इच्छा के अनुसार, हमारे पास बहुत सारे टाइप के चार्ट्स हैं, हम लोग जो भी चार्ट को किसी दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेप्स क्या होते हैं इसके। तो आपको ये भी जितने भी स्टेप्स हैं, छः स्टेप्स हैं, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है एज यूजुअल, जैसे आप पिछले दो वीडियो में लिखते आए हैं वैसे ही लिखना है और चेक भी करना है, ठीक है। अब चार्ट टाइप चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हमारे एमएस ऑफिस के कोई भी कंपोनेंट्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं सबसे पहले उसको चार्ट को या किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। द चार्ट टूल बिकम अवेलेबल, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे अपने चार्ट को, चार्ट टूल आपके आगे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही चार्ट टूल आएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट चेंज चार्ट टाइप आपको दिखाई देने लगेगा, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप ग्रुप के अंदर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा डिजायर्ड चार्ट टाइप का, एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ये आप देख रहे होंगे, जो हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुला हुआ है, ये हमारा डायलॉग बॉक्स वहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट द डिजायर्ड टाइप, ठीक है। आपको जो भी तरह का चार्ट आप बनाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं आप उस डिजायर्ड चार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक क्लस्टर्ड बार और एनी चार्ट सब टाइप ऑफ योर चॉइस, आपको क्लस्टर्ड बार में से सेलेक्ट करना है या फिर कोई भी चार्ट, आप इसमें से कोई भी चार्ट आपको जो भी इच्छा हो आप उसको चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद ओके प्रेस कर देना है आपको, तो आपका चार्ट दूसरे टाइप में चेंज हो जाएगा। आइए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिर ये चेंज होता है या नहीं होता है। तो ये चार्ट टाइप हमारे पिछले क्लास का ही है, तो इस चार्ट टाइप को हम लोग चेंज करने वाले हैं किस टाइप में, इसको किसी दूसरे टाइप में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। आइए इस पर हम लोग सबसे पहले क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास डिज़ाइन के ऑप्शन में जाना है हमको, डिज़ाइन ऑप्शन में जाने के बाद हमें टाइप में जाना है, टाइप के बाद हमें मिलेगा चेंज चार्ट टाइप। अब जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कॉलम चार्ट को आपके बुक में बताया गया है कि बार चार्ट में चेंज करना है, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग इसको किसी दूसरे टाइप में पाई चार्ट में चेंज करके देखते हैं कि आखिर पाई चार्ट हमारा किस तरह का होता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे और इसको चेंज भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इस डेटा को पाई चार्ट में चेंज करते हैं, तो क्लिक करते हैं हम लोग पाई चार्ट पे, तो पाई चार्ट का हमारा कुछ इस तरह से व्यू आएगा। तो पाई चार्ट में हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, 3D पाई हमारा किस तरह से दिखाई देगा, 3D पाई हमारा इस तरह से दिखाई देगा। उसके बगल में हमारे पास है पाई ऑफ पाई, यानी कि दो पाई हमारे पास आएगा, आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है बार ऑफ पाई, बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों को मिक्स करके भी यहाँ पर बनाया गया है। और तीसरा हमारा आता है ये वाला चार्ट, ठीक है।
आप चाहो तो ये वाले को भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम हमारे बुक में या फिर किसी अलग जगह पे पाई चार्ट नहीं तो 3D पाई का यूज़ किया जाता है, हम लोग करते हैं पाई चार्ट का ही यूज़ करते हैं अभी। तो पाई चार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, क्लस्टर्ड से हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसको हम लोग ओके करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही ओके किए हमारा ये पाई चार्ट बन के तैयार हो चुका है। आप देखेंगे कि आपके आगे ये चार्ट प्रेजेंट हो चुका है, आपके 2.3 दिखा रहा है। किसके लिए दिखा रहा है ये येलो कलर, किसके लिए दिखाई देता है? यहाँ पर देखेंगे MUV के लिए। MUV हमारा क्या है? MUV का कैलकुलेट करेंगे तो इतने एरिया को हमारा कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2000 में। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा है किसके लिए है 2000 में, इसके लिए 0.8 किसका है? ड्रग के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा डेटा शो करने रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस चार्ट को भी कुछ दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना, फिर अगेन हम लोग जाएंगे चार्ट टाइप में। चार्ट टाइप में जाने के बाद हम लोग चाहें तो इसको वाटरफॉल भी हमारे पास ऑप्शन है। हो सकता है कि जिसके पास MS ऑफिस का 2007 वर्जन होगा उसके पास वाटरफॉल का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 2013 वाले जितने MS ऑफिस का यूज कर रहे होंगे या 2016 वाले होंगे या 2019 वाले जो होंगे उनके पास ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं वाटरफॉल भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग वाटरफॉल पर क्लिक करेंगे। वाटरफॉल पर क्लिक करने के बाद हमारा क्लस्टर्ड और लिटी सिलेक्टेड हो गया, ओके कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास ये वाटरफॉल चार्ट आ चुका है आपके सामने में। वाटरफॉल चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। आप चाहो तो इसको बड़ा और छोटा करने का मैंने बताया ही था पिछले क्लास में, बड़ा और छोटा कैसे किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर देख लें। ठीक है बाबू, अब चलते हैं हम लोग अपने बुक की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रिकैप के बारे में। चार्ट आर मच इजियर वे टू रिप्रेजेंटिंग डेटा देन टेबल इन एक्सेल। चार्ट जो हमारा है काफ़ी अच्छा तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने में टेबल की अपेक्षा में। टेबल में जैसे कि हम लोग डेटा समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन चार्ट में हम लोग आसानी से डेटा को समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या है हमारा कॉन्टेक्स्ट टैब। कॉन्टेक्स्ट टैब के अंदर में क्या होता है हमारा डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट तीनों आता है। ठीक है, आर टैब्स डैट ओनली अपीयर्स व्हेन यू मे नीड देम। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तभी वो आपके आगे प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे साइड में एक बटन रहता है उस पर क्लिक करेंगे तभी हमारा वो लेयर खुल के आएगा। ठीक है, देर आर टू चार्ट कॉन्टेक्स्ट टैब। हमारे पास चार्ट के दो कॉन्टेक्स्ट टैब होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, पहला और दूसरा हमारा, पहला होता है डिज़ाइन और दूसरा होता है हमारा फॉर्मेट। कितने तरह के होते हैं चार्ट कॉन्टेक्स्ट? दो तरह के होते हैं, पहला होता है डिज़ाइन, दूसरा होता है हमारा फॉर्मेट। उसके बाद क्या होता है इफ़ यू वॉन्ट टू स्वैप दिस एक्सिस इन योर चार्ट, अगर आप अपने चार्ट में एक्सिस को चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली स्विच द रॉ डेटा टू कॉलम डेटा वाइस वर्सा। आप रॉ डेटा को कॉलम डेटा पे चेंज कर सकते हो, वाइस वर्सा, यानी कि रॉ डेटा को कॉलम डेटा पे और कॉलम डेटा को रॉ डेटा पे, समझ गए ना? यानी कि एक दूसरे के विपरीत में एक्स को वाई पे, वाई को एक्स पे, ऐसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स आर चार्ट टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डेटा सीरीज, लीजेंड्स, ग्रिड लाइंस, पिक एरिया, उसके बाद आता है चार्ट एरिया ETC। ये सब हमारे चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, चार्ट एरिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डेटा सीरीज, लीजेंड्स, ग्रिड लाइंस और चार्ट एरिया ETC, ये सारे हमारे जो चार्ट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है बाबू, अब उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर में सवाल ये उठता है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर किसका करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ए जो क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल कॉलम का है, ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कॉलम चार्ट का क्या है और कॉलम चार्ट का यूज क्या है, ठीक है, और कॉलम चार्ट का पिक्चर क्या है, तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि मैच द फॉलोइंग जैसा है ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग मैच करेंगे, अभी मैच करेंगे, वीडियो देखने के बाद मैच करेंगे और इसको चेक कराएंगे। उसके बाद हमारा आता है ये छः हमारे जो है चार्ट्स के बारे में, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने सबसे पहले क्लास में आपको चार्ट टाइप, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, सेटर चार्ट, ये सारे के बारे में मैंने बताया था। और इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख के मुझसे चेक कराएंगे वीडियो देखने के जस्ट बाद। अब आता है उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन सी और डी। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद बना के नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगा और उसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और मुझसे चेक कराएंगे। ठीक है बाबू, इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।